पेपर एनालिसिस में, जेएनयू का पेपर एनालिसिस करेंगे। टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्सेट में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना है, वहां पे एनालिसिस दी है, वेक्टर को भी एनालिसिस किया है निम्सेट का और जेएनयू का ये भी किया है। और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईयर वाइज बारी बारी से हम लोग जेएनयू के सारे आए हुए क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया था कि आप जेएनयू के पेपर को भी जरूर डालिए, बीच में निम्सेट एनालिसिस को थोड़ा सा रोका गया है, उनके रिकमेंडेशन पर ही ये टॉपिक कंसीडर किया जा रहा है। आप पूरा पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और मावला क्लासेस का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रिक्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे टॉपिक एक्सक्लूसिव टॉपिक डाले गए वहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, और जब आप पेपर के एनालिसिस देखते हैं तो ट्रिक्स, और आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में एनालिसिस के टाइम पर भी मेरे अंदर ये दिखाई पड़ेगा कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे और ट्रिक्स पर, दोनों पर फोकस करेंगे। तो पूरे पूरे वीडियो पे लास्ट तक आप जाएंगे। सबसे पहले इतना से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे, सॉल्यूशन इसके बाद वाले फेज में आएगा। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है, इसके रूट साइन अल्फा और कॉस अल्फा हैं। देन रिलेशन, जो यहाँ पे कोफिशेंट्स लिए गए उनके रिलेशंस, कौन सा रिलेशन वेल होल्ड होगा, वेल एस्टेब्लिश होगा, वो बताना होगा। 2004 में ये क्वेश्चन आया था, देखा जाए तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, मगर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो शुरुआत वाले क्वेश्चंस आगे जाके रिपीट होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकता है शायद आगे रिपीट हो। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन का सोल्यूशन और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दिखाने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। अगर बिल्कुल आप बिगिनिंग में एक क्वाड्रेटिक मैंने कंसीडर किया है, उसके रूट्स जैसा कि कंसीडर किए जाते हैं अल्फा और बीटा, तो बताया जाता है कि सम ऑफ द रूट्स मूलों का योग और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c अपॉन a। ये बेसिक सी बातें हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, जो हमें बेसिक सा डेटा दिया गया है ये दो बातों को हमने यहाँ देख रिलेट किया है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस क्यू अपॉन पी आ गया, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आर अपॉन पी। बेसिक सी बातें जो आपको आनी चाहिए थी, अगर नहीं भी आती हैं तो आपने रिपीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, हमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो उसको देखते हुए हमने जो हमारी प्रैक्टिस, मतलब ये स्टेप क्यों आया, तो हमें ऐसा लगता है ये हमारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि हम ऐसा जस्ट कर पाते हैं। तो हमने क्या किया, पहले वाले इक्वेशन को स्क्वायर किया, ये आगे अभी पता चलेगा क्यों किया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके सामने करने वाले हैं, जिससे कि आप भी समझ पाएं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैथ्स में एक खासियत है, मैथ्स के बच्चों में एक खासियत है कि कभी भी कुछ भी ना आता हो उनसे आप पूछिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जरूर आएगा। तो ये फार्मूला हमेशा कॉन्फिडेंस देने वाला फार्मूला है, सबको आता है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा एक दूसरा ऐसा फार्मूला है कि सबको आता होगा, कितना हो गया ये 1 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा पता है हमें आर अपॉन पी बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इसको अब इतना से आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको जवाब मिल चुका होगा, और नहीं मिला है तो आप टैली कर लीजिए, 2 PR माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। इतना से ऑप्शन पे ध्यान दें, कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, 2006 या 2008 का जो भी आगे क्वेश्चंस आए होंगे वो क्वेश्चंस की हम लोग एनालिसिस देखेंगे, बने रहिए लास्ट तक। अगर इस क्वेश्चन को भी बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे कि हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि पेपर एनालिसिस में जो भी क्वेश्चन आया है वो एक नगीने की तरह होता है, वो इंपॉर्टेंट होता ही है। पहले क्वेश्चंस को इतना से पढ़ लेंगे, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तीन ऐसे नंबर्स ए बी सी लिए गए हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस देख लें, 1 2 3 और नन ऑफ दीज। 2006 में जेएनयू में ये क्वेश्चन आया। आगे वाले स्टेप में जैसा कि हम लोग करते हैं कि आगे वाले स्टेप में पूरा सोल्यूशन दिखाएंगे, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिस तरीके से ये सोल्यूशन और इसका कॉन्सेप्ट जाएगा, तो बने रहिए लास्ट तक। इस वाले क्वेश्चंस को जरूर देखें, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर एएम और जीएम की प्रॉपर्टी लगाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट यहां देख लें।
ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज होता है और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि टफ है। अर्थमेटिक मीन निकालना है, एएम निकालना है दो नंबर का, तो दोनों नंबर को जोड़ के दो से डिवाइड। जैसे जनरली जब भी अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तीन नंबर का निकालना हो तो तीनों को जोड़िए तीन से डिवाइड, चार नंबर का चारों को जोड़िए चार से डिवाइड, पांच नंबर का एन नंबर का तो एन सारे एन नंबर्स को जोड़ दीजिए और एन से डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो दो नंबर्स हैं तो दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट ले लीजिए। अगर तीन नंबर है जैसे यहाँ दिखाए गए तो तीन नंबर्स में तीनों को मल्टीप्लाई किया और क्यूब रूट लिया। अगर चार नंबर होते तो सिंपल है, चारों को मल्टीप्लाई करते फोर्थ रूट लेते। तो यहाँ पर दो नंबर्स का दिखाया गया और हमेशा जनरली अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो ए एम ग्रेटर देन जी एम, तो यहाँ ए एम की प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ जी एम की प्रॉपर्टी लगाई। ऐसा ही यहाँ पे भी किया, इन तीनों को हमने नंबर माना, तीन नंबर माने तीनों को जोड़ के तीन से डिवाइड, तो यानी कि तीन नंबर का ये अर्थमेटिक मीन है। क्या है? अर्थमेटिक मीन। और यहाँ तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसका क्यूब रूट लिया, इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट। तो ये जी एम ले लिया, ए एम ग्रेटर देन जी एम। आगे इसको बढ़ाया, ये तीन यहाँ ले गए, तो देखिए यहाँ पे ये तीन यहाँ चला गया है, इसको ब्रैकेट में जो करड़ी है जो क्यूब रूट बोलते हैं उसको पावर में 1/3 लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं इसको बढ़ाएंगे। तीन नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो अगर पॉजिटिव नंबर्स ये जाएं तो बी प्लस सी ए से तो बड़ा होगा, सी प्लस ए बी से बड़ा होगा, ए प्लस बी सी से बड़ा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे कम से कम ए वन से तो बड़ा ही वैल्यू आएगी या वन आएगी, वन का तीन से मल्टीप्लाई करें तो तीन आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो तीन या तीन से बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? थ्री। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? तीन से बड़ी या तीन के बराबर, तो थ्री मिनिमम वैल्यू आ गई। आगे देखते हैं, आगे भी ऐसे क्वेश्चन लेंगे, ये सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट और बहुत सारे ट्रिक्स इसमें लगती हैं और मॉडुलस फंक्शंस बहुत सारे पॉसिबिलिटीज इसमें होती है। एक्सप्रेशन सॉल्व करना बहुत बड़ी और कॉन्सेप्चुअल बात होती थी, इसलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा गया आप उसको ध्यान से देख लें, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं और थोड़े ये अकवर्ड लगते हैं, थोड़े से जैसे एग्जामर को थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं कि उससे लगता है कि बच्चा उलझ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करें। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लें कि एक्स रूट के अंदर 2 प्लस, रूट के अंदर 2 प्लस, रूट के अंदर 2 प्लस, डॉट डॉट का मतलब है कि इनफाइनाइट ऐसे आगे चला जा रहा है। ऑप्शंस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शंस 4 है, 2 है, 3.14 एंड ऑफ दीज हैं। तो आगे वाले स्टेप में हम लोग इसका सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में उसके आंसर को जरूर टैली करें, वहाँ तक जरूर पहुँचें। सोल्यूशन को ध्यान से देखें, सोल्यूशन में हमने कॉमन से स्टेप आपके सामने इसलिए नहीं लिखे कि आपका टाइम बचे, तो और जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, कॉन्सेप्ट वाली बातें होती हैं, कोर बातें हैं, वो आपके सामने हम हाईलाइट करते हैं जिससे कि आप जान पाएं। तो कुछ बातें अभी हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं की हैं, तो वो बातें ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात देखिए कि हमने यहाँ पर इस स्टेप को पहले से ही ये लिख के रखा है, इसका एक रीज़न है, कारण है। देखिए यहाँ पर अगर इस चीज़ को हटाकर इस चीज़ को अगर दोबारा हम आपके सामने लिखें, देखिए हम इस चीज़ को दोबारा लिखने जा रहे हैं, रूट ऑफ, ध्यान देते रहें, यहाँ पर रूट टू है, फिर रूट लगाएंगे, फिर टू है, फिर डॉट का मतलब है फिर से रूट लगेगा, फिर टू होगा, फिर डॉट डॉट। ये बात हमने लिखी, अभी आप पे फोकस नहीं किया, पर आप अब बिल्कुल ध्यान से देखो इस बात को, मैंने ये लिखा था बट अब ये बिल्कुल ये वाली बात इस वाली बात में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट चीज़ें हैं। इनफाइनाइट चीज़ में कुछ चीज़ें अगर कम भी हो गई, एक रत्ती भर या एक बाल्टी पानी अगर सागर से निकाल देंगे तो सागर ही बोला जाएगा। तो ये बात आप समझ में गए होंगे कि इसको हमने इसीलिए क्या लिख दिया, x। तो ऐसे पैटर्न को आप जब कभी भी ऑब्जर्व करें तो इस ट्रिक को आप इस शॉर्टकट को या इस तरीके को अप्लाई करेंगे। अब सीधे क्या किया गया, क्वाड्रेटिक बना ली गई, स्क्वायर कर दिया गया, दोनों तरफ आगे बढ़ते चले गए। क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना आसान है, अगर नहीं भी आता है फिर भी आप देख सकते हैं, मगर फैक्टर करना ही नहीं सिखाया जा रहा। यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो दो फैक्टर आए, उससे दो रूट्स निकाले, -1 और 2, तो आंसर में -1 और 2 दोनों हो सकते हैं, मगर ये इसके सोल्यूशन है, ये ध्यान दें इसके सोल्यूशन है, मैं निकालना हमें ये है। तो x बराबर रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2, देखिए 2 और उसका रूट ऑफ 2 फिर उसका रूट ऑफ 2 जोड़ेंगे, ये बात
श्योर नहीं है कि इनफाइनाइट तक जाने पर आंसर क्या आएगा, पर ये बात श्योर होगी कि पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू जोड़ते जाएंगे तो कितनी बार वैल्यू जोड़े निगेटिव कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे दो एक्स की वैल्यू आई, एक माइनस वन एक्स की वैल्यू टू, तो क्या ये जोड़ने पर कभी निगेटिव एक्स आएगा? तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो निगेटिव नहीं होने वाली है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा? टू। तो आंसर टू बनेगा, कौन सा ऑप्शन है? बी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर माइनस वन ऑप्शन में होता और टू ना होता तो आप हो सकता है कि इस वाले आंसर से माइनस वन आंसर टिक कर दें, क्योंकि ऑप्शन में वहां दिया गया। कहने का मतलब ये है, बात समझे कि ऑप्शन बनाया गया वन माइनस वन माइनस टू नन ऑफ दीज, तब आप अगर ऑप्शन ऐसे बन के आ गए तो आप माइनस वन की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं, गलती कर सकते हैं, आपको लगेगा कि माइनस वन और टू में कोई भी आंसर मिलेगा तो आप टिक कर देंगे, तो आंसर माइनस वन निकालने के लगाने के चांसेस हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस हमने हमेशा बोला है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जब जिस तरीके से नॉर्मली आप सॉल्व करके जो आंसर निकालते हैं मगर कंडीशन के साथ कहीं ना कहीं कंडीशन इम्पोज होती है, वो क्वेश्चंस का ऑप्शन बनना और ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आंसर माइनस वन नहीं होगा और टू होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रीजन जो बताया गया ये इंपॉर्टेंट रीजन है। आगे बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनकी सूरत बहुत खराब होती है, ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं जब भी ये क्वेश्चन को देखता हूँ मतलब वहाँ वाहियात क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। ये बिगनर के लिए, बिगनर स्टूडेंट्स के लिए और बिगनर टीचर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इसमें कुछ जब लॉजिक नहीं होगा, ऐसे शुरुआत के टीचर से अगर पूछ दिया जाए हो सकता है कि उसकी लग जाए। कहने का मतलब है कि जब इसका सलूशन देंगे तो आंसर अभी आ जाएगा, इसमें से कुछ है ही नहीं। चलिए देखते हैं, बिल्कुल डरे नहीं, कुछ भी ऐसा लिखा है हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब भी LHL और RHL दिया जाता है तो ये माना जाता है और ये होता भी है कि LHL और RHL बराबर होने चाहिए, अगर वो बराबर नहीं है तो उसके सलूशन नहीं आते। तो पहले एक बात देखें, इनइक्वालिटी जब भी आपकी लिखी होती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ी टफ है, तो हम एक एक स्टेप को हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं, उसको आप ध्यान दें। साइन एक्स की वैल्यू वन से छोटी या बराबर होती है और माइनस वन से बड़ी होती है, कहने का मतलब साइन एक्स वन और माइनस वन के बीच में लाई करता है। इट मीन्स कहने का मतलब साइन ई की पावर एक्स, यानी कि साइन में कुछ भी डालें, ई की पावर एक्स डाल दें, कुछ भी डाल दें, क्योंकि साइन थीटा ही होगा वो हमेशा वन या वन से छोटा ही होगा, मतलब वन से कभी बढ़ लू। साइन 90 वन होता है, साइन 60 रूट थ्री बाई टू, साइन 30 वन बाई टू, साइन 0 0, वन से कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, हमेशा वन या वन से नीचे रहेगी, कुछ भी हो, ई का पावर एक्स हो, लॉग एक्स, कुछ भी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर तो ये बात तय हो गई कि ये वाला पार्ट, कहने का मतलब ये पार्ट हमेशा वन से छोटा रहेगा या मैक्सिमम वन होगा। 5 की पावर एक्स और प्लस 5 की पावर माइनस एक्स, तो हमने यहाँ क्या लिखा देखिए, 5 की पावर एक्स, इसको नीचे ले आए। अब देखिए ये कोई नंबर है और ये इसका नंबर का रेसिप्रोकल है, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, टू की पावर एक्स, सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो अभी जैसा बताया था AM और GM वाली प्रॉपर्टी, तो यही यहाँ पे लगाई है कि एक नंबर लिया उसका रेसिप्रोकल लिया उससे AM लगाया, क्या लगाया, ए प्लस बी बाई टू, GM मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट लिया तो कट गया। तो यहां से देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर भी होगा कि 5 की पावर x प्लस वन अपॉन 5 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है। तो कोई भी नंबर उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या, दो या दो से बड़ा होगा। बहुत बार आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ये लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, मतलब कोई भी नंबर उसका रेसिप्रोकल का सम दो या दो से बड़ा होता है। तो देखिए ये वाली साइड मतलब RHL जो हमारी होगी वो दो या दो से बड़ी है और ये हमेशा क्या है, एक या एक से छोटी है, तो कभी ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जब ये बराबर ही नहीं होंगे तो भाई 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 बड़ा है, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 लिख दिया जाए, फेसबुक भले लिखा हो मगर ऐसा कभी होता नहीं भाई, आंसर क्या है, 0। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि उनमें कोई लॉजिक नहीं होता है। कुछ ट्रेंड चल चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप याद कर लें, अलग से एक आप नोट्स बनाएं, ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ पे लिख लें जिनका RHL और LHL या अपसर्ड्स हैं, कहने का नॉनसेंस जो होते हैं, नॉनसेंस अपसर्ड्स जिनको बोलते हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है, उनके आंसर हमेशा सॉल्यूशन जीरो होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखें, उनमें से एक ये क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल आप मार्क कर लीजिए और ध्यान रखिए, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लें। लास्ट क्वेश्चन है
और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में बहुत डरावने लगते हैं, देख के ऐसा लगता है कि कैसे होगा एग्जाम में ऐसे आ जाए क्वेश्चंस, तो आप थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा असहज महसूस करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग कि 3 की पावर x-1 और 5 की पावर x-1 = 34, देन इट हैज नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन लाइक दैट। तो आगे सोल्यूशन देखेंगे, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देखते रहिए लास्ट तक। सोल्यूशन, कुछ चीजें ऐसी होती जो हिट एंड ट्रायल, मतलब आपने हिट ट्रायल लिया और हिट हो गया, वैसे ही है। एक ट्रिक्स मान लो या जो भी मान लो या किस्मत का खेल मानो, क्या किया हमने, 3 की पावर x-1 तो 3 की पावर x/3, जब भी पावर निगेटिव होती है उसको नीचे लिख सकते हैं 5 की पावर x/5। अब देखिए 34 लिखा, इधर क्या लिखा, अब 34 को ऑब्जर्व करिए तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34 हो गया। अब ऐसी यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाए कि ये 5 का स्क्वायर बन जाए भाई, तो 5 का स्क्वायर बनने के लिए यहाँ पर 5 की पावर 3/5 कर दें तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर 3/3 कर दें 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या रख दें भाई, 3। एक ही ऐसा सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन भाई, आंसर आ गया, अपना काम हो गया, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, गलत होने वाला था सही हो गया, ऑल इज वेल। ठीक है, लास्ट में कैसा लगा आपको ज़रूर आप बताते रहें, और मैंने बोला ही है कि हमारा और तुम्हारा, कहने का मतलब आपका नाता बहुत गहरा है, लास्ट तक हम लोग पहुँचेंगे ये हमें भरोसा है, विश्वास है, और आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। और लास्ट में धन्यवाद, वीडियोस एनालिसिस मावला क्लासेस की एनालिसिस कैसी लग रही जरूर बताते रहें, कंजूसी ना करें भाई इसमें, थैंक यू। ठीक। कुछ होगा इसका।